ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस नूतन के अभिनय का कोई जवाब नहीं था। नूतन की माँ शोभना सामर्थ अपने जमाने की बेहतरीन कलाकार और फिल्म मेकर रही थी। शोभना ने ही नूतन को फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर लॉन्च भी किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद नूतन के कुछ फोटोशूट ने उस समय नूतन को सुर्खियों में ला दिया था। 4 जून 1936 को जन्मी नूतन को बतौर लीड एक्ट्रेस कामयाबी मिली फिल्म सुजाता से। इसके बाद तो बंदनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी शानदार और कामयाब फिल्में नूतन की रिलीज हुई, तो वहीं सौदागर, सरस्वती चंद्र, अनाड़ी, छलिया जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें सबसे ज्यादा बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। 21 फरवरी 1991 को 54 साल की उम्र में कैंसर की वजह से नूतन का निधन हो गया। नूतन के बेटे मोहनीश बहल खुद एक मजे हुए कलाकार हैं। अपनी माँ के बारे में मोहनीश याद करके बताते हैं कि उनकी माँ बहुत ही सादगी पसंद रहती थी। एक बार नूतन कहीं कार से गई थी। मोहनीश ने देखा कि उनकी माँ की कार एक लॉन्ड्री के पास खड़ी है। जब वो वापस घर आए तो देखा कि उनकी माँ तो घर पर हैं। जब मोहनीश ने अपनी माँ नूतन से पूछा कि आपकी कार कहाँ है, तो माँ ने कहा, कार कहाँ है। तब नूतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कार लेकर वहां गई थी। मोहनीश के मुताबिक उनकी माँ की आदत हैरान करने वाली थी, क्योंकि कोई भी कार लेकर जाए और भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।